तो कल हम लोगों ने पढ़ा था SN1, ठीक है, जो कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर था। यहाँ पे जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेट आयन की। और यहाँ पे हमें पता है कि अगर बेंजाइल ग्रुप होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो बेंजाइल कार्बोकेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद एलाइल, डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट कार्बन पे होता है वो एलाइल, फिर टर्शरी कार्बोकेट आयन, सेकेंडरी कार्बोकेट आयन, प्राइमरी कार्बोकेट आयन। ठीक है, इनमें से SN1 प्राइमरी और सेकेंडरी तो जाते ही नहीं है, या फिर मैं इधर ये भी नहीं जाएगा, और सेकेंडरी के जाने के चांसेस भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर ये तीन है तो ये कैसे जाएंगे, SN1 से जाएंगे, और अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर मिथाइल है तो वो किससे जाना प्रेफर करेंगे, SN2 से। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। और कल हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग वो पता है कि एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम इज बेसिकली ग्राफ बनाना है, और उसमें हमें दिखाना है कि किसकी एनर्जी कम है या किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसमें ना दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और इसमें क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो अगर कोई रिएक्शन करानी है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक, और अगर उसमें से रिएक्शन करने में हीट रिलीज होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें होता है कि चलो मैं ग्राफ बना रहा हूं और तुम लोग मुझे देख के बताओ कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो दोनों साइड पे वाई एक्सिस में एनर्जी आ गई और एक्स एक्सिस पे RC मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया कि दो रिएक्शन है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और एक है एंडोथर्मिक एनर्जी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इनमें से एक ग्राफ एक्सोथर्मिक का है, एक ग्राफ एंडोथर्मिक का है, तो कौन बताएगा मुझे कि किसका कौन सा है। मैं बोलो, हाँ हाँ बोलो। पहला वाला है एक्सोथर्मिक और सेकंड वाला है एंडोथर्मिक। पहला वाला है एक्सोथर्मिक और दूसरा वाला है एंडोथर्मिक। रीजन क्या है? रीजन ये है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा मतलब ग्राफ कर रहा है, मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एंडोथर्मिक में जो है एनर्जी जो है वह प्रोडक्ट ऊपर ज्यादा है, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो वहां पे मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा ठीक है, पार्शियली करेक्ट है। अब देखो, रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, ये हम लोग कैसे देखेंगे कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो जो टोटल एनर्जी रिली एनर्जी जो आएगी, एनर्जी जो रिएक्शन में यूज हुई है, उसका क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों की एनर्जी माइनस कर दो। तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है उसमें से अगर मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन कितनी है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से कम है। यहाँ में दिख रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और रिएक्टेंट क्या है, कम स्टेबल है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कंपैरेटिवली काफी कम है देन रिएक्टेंट। तो ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी तो ये कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब वैल्यू नेगेटिव आती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ई ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल जो रिएक्शन में चेंज आया एनर्जी का, वो क्या होगा, ई ऑफ प्रोडक्ट माइनस ई ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी।
अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है और रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है कंपैरेटिवली कम है, तो ई ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब यह है कि ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। समझ में आया रीजन? बिल्कुल ठीक है, तो अगर कभी भी तुम्हें दिया गया हो कि तुम्हारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, किस तरीके की रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और वो कैसे जा रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है एक इंटरमीडिएट ए में, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और तुम्हें बोला गया कि ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है और ये वाला स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, और इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे, इसमें से हमें पता है कि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो रिएक्शन को हम लोग जबरदस्ती करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी कंपैरेटिवली कम होगी, तो ये इस तरीके से आएगा। फिर बीच में क्या है एक इंटरमीडिएट भी बन रहा है, तो मैंने इंटरमीडिएट को यहाँ पे बना दिया, इंटरमीडिएट ये याद रखना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही कम स्टेबल होगा, तो मैंने ये बना दिया इंटरमीडिएट बीच में। अब ये जो स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये वन ले लेते हैं और इसको ये टू ले, तो एक्टिवेशन एनर्जी वन एक स्लो स्टेप की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फास्ट स्टेप, तो कोई भी स्टेप जो स्लो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो मतलब क्या है एक लार्जर बड़ी सी पीक बनानी मुझे, ठीक है, और जिसकी कम है उसके लिए स्मॉल पीक बनानी है, तो इसके लिए मैं बनाता हूँ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गई है कि कैसे ग्राफ बनाना है? दीपक समझ में आ रहे तुम्हें? है ये चला गया है? हाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि स्लोएस्ट स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो पीक बनेगी वो ज्यादा बड़ी बनेगी, और फास्ट स्टेप की जो पीक बनेगी वो छोटी बनेगी, और साथ में क्या होना चाहिए, अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, और एक्सोथर्मिक होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं, बस मुझे यही कराना था। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो किसी रिएक्शन में जब दोनों चीजें साथ में होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों चीजें ही साथ में होती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन से आरई लिया है, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया है, आरईडी रिडक्शन से लिया, और इसका नाम क्या बना दिया है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें कोई बोलूं कि इसका इस एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिएक्शन गलत होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन के साथ हमेशा रिडक्शन होता है और रिडक्शन के साथ हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है। दोनों चीजें इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब तुम एक रिएक्शन तो लिख सकते हो जिसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए तुम्हें किसी दूसरी चीज का रिडक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है कि ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, तो चलो ऑक्सीडेशन एक बहुत कॉमन चीज है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी 5 या 6 डेफिनेशन हो सकती है। एक एक करके मुझे डेफिनेशन बताओ कि क्या डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन अगर मुझे लिखनी है तो मैं क्या लिखूं? और शायद मैंने ये क्लास में भी कराया होगा, कराया मैंने क्लास में।
बताओ ऑक्सीडेशन क्या होता है? अंजलि तुम बता दो। आवाज पहुंच रही है तुम्हारे तुम लोगों तक? रिडॉक्स चैप्टर तुम लोगों ने किया होगा ना? हाँ बताओ, कोई बताओ जरा। यही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यही ना सर? हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कैसे मैं उसे डिफाइन करूँ, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर ऐसे बोल सकते हैं क्या? वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, क्या फिर से बोलो? वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जी चलो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और कोई और डेफिनेशन? दीपक तुम कुछ और कह रहे थे? यही तो था सर, सोच रहे हैं। और कोई डेफिनेशन? पांच छह डेफिनेशन है। अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ एक एक करके। देखो ये भी नहीं ठीक, इतना ही। इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जब भी इंक्रीज होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? उसे भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ, जैसे सोडियम है और सोडियम ने Na प्लस बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सोडियम से निकल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें देखो, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो जीरो थी, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस वन है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर है प्लस वन, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर टू प्लस में प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके साथ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी होनी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन है और तुम्हें नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करती है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन, किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाती है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाती है तो उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा मुझे डेफिनेशन में अगर मैं बोलूँ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज में जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी के अपोजिट मैं लिख सकता हूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर किसी भी चीज में से मैं रिमूव कर दूं तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देता हूं मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे मेरे पास है CH3, CH3 है, और इसमें मैंने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? CH3 CH2 OH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या था, हाइड्रोजन थे, छह हाइड्रोजन थे और दो कार्बन थे। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दो कार्बन
तीन चार पांच छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन एटम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर ऑक्सीजन एटम किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। दूसरा देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो ये बन गया सी डबल बॉन्ड एच में। तो अब मैं इसमें कंपेयर करता हूँ, दो कार्बन है, तीन चार हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। पहले क्या था, दो कार्बन थी, छह हाइड्रोजन थी और एक ऑक्सीजन थी। अब क्या है, दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गए, निकल गए, दो हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया। तो ये भी किस तरीके की रिएक्शन हुई, ये हो गई एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या याद रखना है, कभी भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दो एग्जाम्पल मैंने दिए, और भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से पता चल जाए। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम बोल सकते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन के अलावा भी और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, या फिर मैं डायरेक्टली हेलोजन लिख देता हूँ, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूल में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाता है तो उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकल जाता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, CH3 इथेन लिया, इसमें मैंने क्या डाला, क्लोरीन गैस डाली विद एच न्यू और ये कन्वर्ट हो गया CH3CH2Cl में। तो यहाँ पे क्या था, दो कार्बन और छह हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, दो कार्बन, पांच हाइड्रोजन और एक Cl। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले छह हाइड्रोजन थे और अब कितने हो गए, पांच हो गए हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन से ज्यादा नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, कार्बन के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि क्या है, क्लोरीन है, और वो ऐड हो चुका है। अब क्लोरीन के ऐड होने की वजह से, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो और लास्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होने का। तो मेरे पास है लिथियम है, और इसकी जगह मैं ऐड कर देता हूं CH3, कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते हैं, न्यूक्लियोफाइल में जैसे मैंने OH ऐड कर दिया, वाटर कर देंगे आप, H2 मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो ये बन जाएगा CH3CH2CH3। बट ये CH3 नहीं, वाटर ठीक नहीं रहेगा, ये एग्जांपल ठीक नहीं है।
इसका मुझे एग्जांपल मेटल्स का ही हो सकता है, जैसे Br, पर यहाँ पे मैं वाटर लगाता हूँ तो वो CH4 आ जाएगा, कार्बन ही लगा देते तो ये हो जाएगा कार्बनल, वो के ऊपर MgBr आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा CH3। तो इस कार्बन का भी क्या हो गया, इस CH3 का हो गया है ऑक्सीडेशन, और इस कार्बन का हो गया रिडक्शन। तो मैं कैसे बताऊंगा, इसमें जो मैग्नीशियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में जो कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और एक मैग्नीशियम देंगे तुम्हारे। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन दे रहे हैं और उसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, दूसरा जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए -4 से कहाँ जा रही है, -3 पे जा रही है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मुझे कोई सिंपल इसका याद नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है कि इसका कौन सा सिंपल एग्जाम्पल होगा, लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे। हाँ ठीक है, आ गया, मुझे याद आ गया। इसमें से हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 BH2 है, तो बोरोन क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया CH3 CH2 BH2, तो ये बोरॉन क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और अगर इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, OH नेगेटिव डाल देता हूँ, H2O2 अगर मैं डाल देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2। CH3 CH2 OH में कन्वर्ट हो जाता है और B के साथ भी OH लग जाता है। ठीक है, BOH थ्राइस हो जाता है जब ये 3 बार रिएक्शन करता है। हेलो, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है क्या, या कट गया कॉल बीच में? हाँ तो आ रहा है आवाज, बट कट कट के नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ से निकल गया है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकल गया और उसकी जगह पे क्या है, ऑक्सीजन आ गया जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और साथ में ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया, तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे,
ऑक्सीडेशन, और ये कौन सी रिएक्शन थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, सिर्फ ऑक्सीडेशन पार्ट था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन, तो एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें मेजरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे देखना है। तो अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन के पास चार हाइड्रोजन है, और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा, और ऑक्सीडेशन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, ओ लिखता हूँ और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक। कोई भी रिएजेंट यूज कर सकता है, KMnO4, KCl4, जिससे ऑक्सीडेशन होती हो। तो अगर मैं इसके पास OH लगा दूं, तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन था जो कि यहाँ से निकल गया। हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ से निकल गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें फिर फर्दर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा, तो एक हाइड्रोजन हट के फिर से क्या आ जाएगा, एक OH आ जाएगा। अब एक ही कार्बन के ऊपर 2H क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है, CHH, और ये क्या होता है, एक ऑक्सीजन बचा, और ये दोनों क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये एल्केन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। अब इसका मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा, तो हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा, वापस OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसमें फिर से मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, तो H की जगह पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। और जब दो OH एक साथ लग जाते हैं, तो उसमें से एक वाटर निकल जाता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, और ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कि इसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ यही देखना है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है और उसका ऑक्सीडेशन करना है, तो उसमें एक हाइड्रोजन हटा के हमें क्या लगाना है, OH। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और इससे हमें क्या मिल जाता है, ये कंपाउंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, एल्केन से मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ, अगर तुम्हारे पास एल्केन है, तो एल्केन से तुम्हें मिलेगा एल्कोहल, एल्कोहल से मिलेगा तुम्हें एल्डिहाइड या कीटोन, और अगर एल्डिहाइड मिलता है तो, या कीटोन मिलता है और उसका सीवियरली ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो फिर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीडेशन हम लोग फर्दर नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, मतलब उसने चारों इलेक्ट्रॉन दे दिए, और कार्बन के पास चार ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो एल्केन थी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था -4। अभी कार्बन है और इसके पास चार हाइड्रोजन है, और चारों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -4। एल्कोहल में ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, यहाँ पे है यहाँ पे है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ ठीक है, +2 और यहाँ पे +4, तो हमें दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होगी, तो मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकाल लोगे कार्बोनिल कंपाउंड्स का, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, बताओ। हाँ, निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना। तो देखो, जब भी तुम्हें दिखेगा कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है,
किसी ने भी इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली नहीं दिया और किसी ने भी इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली नहीं दिया, तो जब दो कार्बन होंगे तो इनके बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मानी नहीं जाएगी, ठीक है, जीरो मानी जाएगी। और जब हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने माइनस आ जाएगा और जितना ऑक्सीजन होगा उतना प्लस आ जाएगा। अगर कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो प्लस वन आएगा, और कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो प्लस टू आएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम ऑक्सीडेशन से निकाल सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और इसकी भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि एक हाइड्रोजन हटा के सिर्फ एक एक ऑक्सीजन वहां पे ऐड कर। ठीक है, तो एल्केन है उससे एल्कोहल मिलेगा, फिर इसको मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा तो फिर यहाँ पे 2H बन जाएंगे। और ये चीज़ याद रखनी है कि कार्बन के ऊपर 2H कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो कार्बन के ऊपर कभी भी 2H एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, माइनस ऑफ H2, माइनस ऑफ H2 होगा तो HC यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये बन गया एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बन सकता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, फिर करेंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा, फिर दोनों OH में से वाटर रिलीज होके डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत हद तक सिंपल है, बस तुम्हें क्या करना है, सिर्फ OH ऐड करना है, और ये मैं तुम्हें क्लास में पहले भी करा चुका हूँ बट मुझे पता है कि भूल गए होगे तो इसलिए मैंने फिर से कराया। रिडक्शन, तो रिडक्शन का हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बस जितनी भी पुरानी थी उन सबको उल्टा करना है, तो वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी वहां पे इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट थी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे Na प्लस है और उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो Na में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो ऑक्सीडेशन थी प्लस वन थी, यहाँ पे कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा, तो जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें मैं हाइड्रोजन गैस ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3CH3, तो ये क्या होगी, एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। अगर मैं मुझे निकालना है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस टू, और इसकी ऑक्सीडेशन माइनस टू है, एक हाइड्रोजन ऐड होने के बाद माइनस थ्री हो गया, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होती है तो वो क्या बन गया, वो बन गया रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड ये हो गया, उसके बाद फोर्थ हम लोग बोलेंगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम अगर उसमें से वहां से निकल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे CH3CH2OH है और इसमें से हम लोगों ने डिहाइड्रेशन कर दिया, वाटर निकाल दिया और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया, कार्बन में से निकल गया। इसके बाद फोर्थ क्या है, हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव
एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव किया गया है तो उस केस में ये क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैं BH3 ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा CH2 CH3 CH2 BH। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और बोरॉन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही, बढ़ रही। पहले यहाँ पे -2 -2 था, अब ये होगी -3 and -3। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो मतलब ये क्या है, ये भी है एक रिडक्शन रिएक्शन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो यही आ गया कि यहाँ पे OH है, ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर मैं बोल देता हूँ CH3 CH2 Cl। और अगर मैं इसको CH3 CH2 CH3 CH3 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन। तो बताओ मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गया सबको? जी सर। ठीक, तो एग्जांपल देखते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन में जैसे मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और इसका रिडक्शन मुझे करना है, तो मैं इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा और रिडक्शन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो एक कार्बन ऐसी रहेगी, एक ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन है, डबल बॉन्ड हट के दो एटम ऐड हो रहे हैं, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हर बार H2 ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे फिर से रिडक्शन करोगे, H2 ऐड करो, तो ये डबल बॉन्ड है, फिर से क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे कार्बन के पास OH आ जाएगा, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH। अब एक ही कार्बन पे दो H है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ H2 लिखेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दो हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड O में, तो ये बन गया एल्डिहाइड। फिर इसमें हम लोग वापस हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक OH बॉन्ड, ये हो गया एल्कोहल। अब एल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट नहीं किया जाता, मतलब अगर ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली रिडक्शन है, बट हमारे पास फिलहाल कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है कि OH हाइड्रोजन ऐड करने से चला जाए, तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, जिंक डस्ट यूज़ करते हैं। जिंक डस्ट क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेके चला जाता है और हाइड्रोजन वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। तो अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होंगे और तुम्हें देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, हमें एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है, और प्रिपरेशन कैसे होगा, इसी तरीके से होगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एल्केन है तो एल्केन किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में, एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में, और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर मैं इस तरीके से जा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और अगर मैं उल्टा जा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन कम करता जाऊंगा मैं, कीटोन एल्कोहल एंड एल्केन, तो ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली ये याद करना है और ये तुम कल याद करके रखना मुझे, मैं कल मैं चेक करूंगा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर हो गई ये? ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर बना के इसको लिख के अच्छे से याद कर लेना, ये जो मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो दिखाया है उसको एक बार करने की कोशिश करना, और अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग कल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की जो प्रिपरेशन होंगी, जो रिएक्शन होंगी, उसी में ये सब यूज़ होगा। तो जो भी मैं रिएक्शन कराऊंगा, आई वुड बी आस्किंग यू कि ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये किस तरीके की रिएक्शन है। तो चारों तरीके की जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हैं वो चारों तुम्हें समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही तो एक बार पुरानी वीडियोज़ देख लेना, और PDF अगर प्रोवाइड की गई है तो PDF देख लेना, और
हाँ प्रैक्टिस एक बार कर लेना कि कोई सी भी बुक उठाना, बुक में से देखना कि ये क्या रिएक्शन है, और इसको एनालाइज करके देखना कि ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये चार जो तरीके की रिएक्शन मैंने कराई है उसमें आती है या नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे तुम ये बताना कि कोई भी चार रिएक्शन लेना और उसको कहीं से भी उठा लेना, चाहे इंटरनेट से या फिर किसी बुक में से। उठाने के बाद उसको लेबल कर देना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है। तुम्हारी ये होमवर्क हो गया। और दूसरा होमवर्क ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो ये चार्ट है, मतलब कैसे कौन किस में कन्वर्ट होता है, इसको याद कर लेना। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट वाइज मैंने कराया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट तो उसको याद, फिलहाल एट द पॉइंट याद कर लेना, धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। टाइम सेम रहेगा आंसर, क्या? और टाइम शायद बस यही ना। हाँ, टाइम तो सेम ही रहेगा। वो तो एक्चुअली बारिश हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरी क्लास थोड़ी खिंच गई थी। इससे पहले एक क्लास होती 9:30 से 10:30, तो इस वजह से उसे खुद खत्म होने में टाइम लग गया था। ठीक ठीक।